हेलो गाइस, तो एवरी सैटरडे मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ पोजीशन ट्रेडिंग का स्टॉक, बट आज है संडे, थोड़ा सा लेट हो रहा है अपलोड करने में, तो गाइस उसके लिए माफ़ कर देना, कोई दिक्कत नहीं। कल है मंडे, मंडे से ये सब जो ट्रेड आज प्रोवाइड करूँगा वो सब ट्रेड लेकर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो फॉर श्योर। ओके, तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम नवजीत और मैं आज आपको प्रोवाइड करूंगा क्या पोजिशनल ट्रेडिंग का स्टॉक। ओके, कल है मंडे, मंडे से आप ये सब स्टॉक पे ट्रेड लेकर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। जैसे प्रीवियस वीक में मैंने आपको प्रोवाइड किया था 5 स्टॉक, ओके, और 5 स्टॉक्स में से 5 स्टॉक नहीं ओनली प्रॉफिट दिया हमको। ओके, उनमें से एक स्टॉक था टाटा मोटर्स। आपको पता है टाटा मोटर्स ने कितना अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है? ओके, 140+ पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया है टाटा मोटर्स ने, अगर आप डिलीवरी में बाय किए होंगे। अगर आप फ्यूचर्स या ऑप्शन में बाय किया होगा तब भी आपको, मतलब क्या बताओ, अनलिमिटेड प्रॉफिट मिल गया होता। अगर आप 100 क्वांटिटी भी बाय करके रख लेते तब भी आपको 10,000+ प्रॉफिट मिल जाता उनमें, मोर देन 2 या 3 डेज में ओनली। ओके, तो आज मैं आपको फिल्टर करके निकालने में प्रोवाइड करूँगा आपको 6 स्टॉक्स। ओके, 6 स्टॉक्स मैंने निकाल लिया है, आपको बता रहे थे कौन कौन सा स्टॉक है मेरे पास। अडानी पोर्ट्स है, बायोकॉन है, स्टेट बैंक है, भारत फोर्ज है, RSDC और HDFC बैंक का स्टॉक मेरे पास आया है फिल्टर होकर। ओके, उसमें से जिसका रिस्क अपेटाइट ज़्यादा है, मतलब जो रिस्क ज़्यादा ले सकता है वो IRCTC ले सकता है। अदरवाइज अगर आप रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते तो IRCTC स्किप कीजिएगा, IRCTC मत लीजिएगा। स्क्रीन पे आपको तो बताएंगे वैसे भी, फिर भी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, तो गाइस आप स्क्रीन पे जाकर बताएंगे, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और गाइस हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। और गाइस वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें ताकि थोड़ा सा वीडियो का रीच बढ़ जाए और वीडियो दूसरे तक पहुँचे। अगर दूसरे तक वीडियो पहुँचेगा तो गाइस दूसरा जो लोग है शेयर मार्केट लॉस कर रहा है वो भी थोड़ा बहुत कुछ कमा पाएगा शेयर मार्केट से, आपके थ्रू उनका भी भला हो जाएगा। ओके, तो गाइस मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट करो और दूसरे का भी थोड़ा सा फला कर दो। ओके, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बकबक करके सीधा स्क्रीन पे जाएंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे स्टॉक और जो प्रीवियस स्टॉक दिया था उसका भी एनालाइज करेंगे, किस में कितना प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, लॉस तो नहीं हुआ फिलहाल। ओके, कितना प्रॉफिट हुआ, कहाँ पर हम बाय कर सकते, ये सब हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। ओके, और जिसको टेक्निकल एनालिसिस का सीरीज देखना है वो टेक्निकल एनालिसिस देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाकर। ओके गाइस, तो चलिए अब स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं स्क्रीन पे, फटाफट आपको बताते हैं जो प्रीवियस वीक 5 स्टॉक्स दिया था आपको। ओके, उन स्टॉक में आपको लॉस कितना दिया, प्रॉफिट कितने दिए, लॉस तो एक ने भी नहीं है, ओनली प्रॉफिट दिया, कितना प्रॉफिट दिया आपको जल्दी काउंट कराते हैं। ओके, तो चलिए फटाफट निकाल लीजिए माइंडट्री का। ओके, ये है माइंडट्री, माइंडट्री में मैंने सिंपल से आपको बोला था 452 के ऊपर आपको लॉन्ग जाना है, आपको बाय करना है। मार्केट नीचे रहा, साइडवेज रहा। ओके, उसके बाद ये देखिए ये कौन सा डेट है, 14 अक्टूबर को ब्रेकआउट दिया, आप अगर एंटर करते तो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। कितना पॉइंट्स का अभी काउंट कर लेते हैं, आपको बताते हैं। ओके, माइंडट्री ने हमको प्रॉफिट दिया है, अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं फ्यूचर्स बाय करते 406 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमको माइंडट्री ने दे दिया है। ओके, उसके बाद हमारे पास है श्रीसेम, श्रीसेम को भी हम निकाल लेते हैं, देखते हैं श्रीसेम ने कितना प्रॉफिट दिया है। ओके, श्रीसेम निकाल लिया, मोस्ट ऑफ द टाइम श्रीसेम क्या एक रेंज पे मूवमेंट किया। ओके, एक रेंज पे मूवमेंट किया बट एक ब्रेकआउट दिया था, अगर ब्रेकआउट पे आप बाय करते तो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट आपको इजीली मिल जाता, इंट्राडे में ही आपका प्रॉफिट मिल जाता यहाँ तक। ओके, तो सीसन में भी प्रॉफिट दिया, छोटा सा प्रॉफिट ज़्यादा नहीं दिया, कितना पॉइंट्स का दे दिया है देखते एक बार। ओके सॉरी, यहाँ से यहाँ तक कितना 221 का पॉइंट्स सीसन ने दे दिया। ओके, उसके बाद हमारे पास है IEX भी देखते हैं IEX ने कितना प्रॉफिट दिया है, फटाफट से देख लेते हैं। ओके, ये है IEX का चार्ट, मैंने आपको सिंपली बोला था 704 के ऊपर आपको लॉन्ग जाना है, 704 के ऊपर मार्केट ओपन हुआ, अगर आप बाय करते तो आपको यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट इजीली मिल जाता। ओके, कितना पॉइंट्स का प्रॉफिट ये भी काउंट करते हैं, क्या ऊपर जा। ओके, 1115, ओके मतलब सॉरी 115 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमको दे दिया IEX ने। उसके बाद हमारे पास क्या है, टाटा मोटर्स, जो स्टॉक है अनलिमिटेड प्रॉफिट दिया है सबको। ओके, टाटा मोटर्स ऐसा स्टॉक मैंने दिया था जो सभी को अनलिमिटेड प्रॉफिट दिया, आप चाहे स्टॉक बाय करके रखे हो या ऑप्शन या फ्यूचर जो भी हो, अनलिमिटेड प्रॉफिट आपको दे दिया। सीधा बोला था 38.55 के ऊपर आपको बाय करना है, सीधा यहाँ पर आप एंटर करते और सीधा आपको इजीली यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिल जाता। ओके, तो कितना पॉइंट्स का टारगेट प्रॉफिट दे दिया है टाटा ने देख लेते हैं।
तो गाइज अगर आपने भी इतना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया है तो काइंडली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके, मुझे भी अच्छा लगेगा। और क्या करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। 140.3 सोच लो, ओके, मान लो 140 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया टाटा ने। अगर 100 क्वांटिटी भी बाय करते, सोचो अगर 100 क्वांटिटी भी बाय करके रख लेते तो 10,000 का प्रॉफिट देता, ओके, 10,000 का प्रॉफिट देता। अगर ऑप्शन में बाय करते तो क्या बोलते, ओके, तो टाटा मोटर्स का हो गया। लास्ट मेरे पास कौन सा है, लास्ट मेरे पास है परसिस्टेंट का, ओके, परसिस्टेंट का भी देख लेते हैं, परसिस्टेंट सिस्टम का, ओके, ये देखो परसिस्टेंट का है। मैंने सिंपल यहाँ पर आपको बोला था 4068 के ऊपर आपको लॉन्ग जाना है। मार्केट ओपन हुआ, इसके नीचे ही रहा मार्केट, ओके, डाउन ट्रेंड, और उसके बाद एक गैप ओपन हुआ और इसको ब्रेक करके ऊपर गया। आप अगर बाय करते यहाँ से यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिल जाता। कितना पॉइंट्स का, ज़्यादा नहीं फिर भी प्रॉफिट ही आपको मिला। तो कितना पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला एक बार काउंट कर लेते, कोई दिक्कत नहीं काउंट करने में, ओके, स्केल, ओके, ओके, 226 पॉइंट्स का। तो जो मैंने फाइव स्टॉक दिया था वो फाइव स्टॉक्स ने एवरी स्टॉक आपको सिर्फ प्रॉफिट दिया, किसने भी एसएल हिट नहीं किया या लॉस नहीं दिया, ओके, ओनली प्रॉफिट दिया। मतलब एवरी सैटरडे जो मैं देता हूँ आपको वो पोजिशन ट्रेडिंग का स्टॉक, सारा स्टॉक आपको ओनली प्रॉफिट देता है। बस आप मतलब इंटरडे ट्रेड नहीं भी करोगे, ओनली ये जो पोजिशन ट्रेड देता है अगर ओनली उसी पे भी काम करोगे तब भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाओगे। तो प्रीवियस वीक का जो है मैं बता दिया आपको, ओके, तो अब मैं बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक का कौन सा स्टॉक मेरे पास है। मेरे पास सिक्स स्टॉक्स निकल के आया है, वहाँ पर एक जो स्टॉक है अगर आपका रिस्क अपेटाइट ज़्यादा है तो उस स्टॉक पे आप ट्रेड करना, अदरवाइज नहीं करना। वो स्टॉक है IRCTC, ओके, तो बाकी मैं आपको एक से पहले से स्टार्ट करता हूँ, ओके, HDFC बैंक से स्टार्ट करता हूँ। ये है HDFC बैंक का चार्ट, ओके, तो हम वीकली चार्ट पे जाएंगे HDFC बैंक का। तो यहाँ पर मुझे देखना है अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिया है वीकली स्टॉक पे, ये वाला जो ब्रेकआउट है, ओके, ये पॉइंट्स का ब्रेकआउट दे दिया है, ओके, तो इसका ऊपर जाने का पोटेंशियल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। वन डे के चार्ट पे जाकर अभी देखेंगे, यहाँ पर भी ब्रेकआउट मिला है, देखो यहाँ पर भी इस पॉइंट में ब्रेकआउट दिया है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसके जो हाई के ऊपर है हम बाय करेंगे, हाई के ऊपर बाय करेंगे, और इस पॉइंट के नीचे यहाँ का समवेयर दिस पॉइंट हम क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे। तो सिंपल हम 15 मिनट्स के चार्ट पे जाएंगे, और आपको कब बाय करना है, कब सेल करना है, सिंपल इसके ऊपर आपको बाय करना है, आपको अराउंड इस पॉइंट पे आपको SL रखना है, ओके, तो मैं अभी आपको पॉइंट दे देता हूँ, ओके, तो देखो ये पॉइंट्स मैंने आपको दे दिया, लेवल्स मार्क करके रख लेना। इसके ऊपर आपको बाय करना है, आप अराउंड एक काम करना यहाँ पर, नहीं तो इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस रखना, अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाता है तो आप सेल करना, ओके, तो सिंपल जो पॉइंट्स है नोट करना, 1689 के ऊपर हमको पॉजिटिव जाना है, लॉन्ग करना है HDFC बैंक में। तो सिंपल है, HDFC बैंक का कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं ICICI का ओपन कर लिया मैंने चार्ट, ये थोड़ा सा रिस्की है, ओके, तो वीकली चार्ट पे चलते हैं इसका भी, ओके, देखिए ये कंटिन्यूस ग्रो करे, कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है ICICI, तो इस पर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी देखिए आप सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर मार्केट नीचे गिरता है तो यहाँ तक इजीली पहुँच जाएगा, तो अगर आप ऐसा लगाना हो आपको सम वेर यहीं पर लगाना होगा आपको, ओके, तो रिस्क थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा है। अगर ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो ही आप ICICI पे ट्रेड लेना, अदरवाइज ICICI पे आप ट्रेड मत करना, ओके। तो डेली चार्ट पे एक बार चलते हैं, देखते हैं डेली चार्ट पे, ओके, डेली चार्ट मैंने आ गया। डेली चार्ट पे आप क्या कर सकते हो, इसके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हो, और यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, SL लगा सकते हो, ओके। तो फिर से उनके चार्ट पे जाते हैं, आपको पॉइंट्स दे देते हैं कहाँ पर आपको बाय करना है, कहाँ पर आपको सेल करना है, ओके गाइज। अगर वीडियो कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछना, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि वीडियो का थोड़ा सा रीच बढ़ जाए और दूसरों तक भी पहुँचे, दूसरे भी कुछ कमा पाए आपके थ्रू, ओके। तो गाइज सीधा हाई के ऊपर आपको बाय करना है, 5595 के ऊपर अगर आपको SL लगाना है इस पॉइंट पे आप लगा सकते हो, ओके, 5350, ओके, 5350 पर आप स्टॉप लगा लॉस लगा कर चल सकते हो। अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको यहाँ तक डाउनसाइड के लिए ट्रेड मिल जाएगा, ओके, आप सेल भी कर सकते हो। सेल का जो है मैंने यहाँ पर लिख कर नहीं दिया आपको पॉइंट्स, आपको बस बोल दिया इसके नीचे अगर आता है तो आप सेल कर सकते हो इजीली। तो ICICI भी डन हो चुका है, अब चलते हैं भारत फोर्स के, ओके, तो भारत फोर्स का आ चुका है, वीकली चार्ट पे एक बार चलते हैं, यहाँ पर भी क्या दिखाई देता है देखते हैं, ओके, यहाँ पर भी मुझे ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, एक ऐसा पॉइंट है, ओके, इसका ब्रेकआउट दे रहा है, ओके, इस पॉइंट का ब्रेकआउट जो है यह दे रहा है। तो इसके हम सिंपल इसके हाई के ऊपर हम बाय करेंगे, पहले वन डे के चार्ट पे भी चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर सिनेरियो क्या है,
ओके यहाँ पर भी देखिए मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल था, साइडवेज जैसा था, तो अब ये ब्रेकआउट जो है देगा, इसके ऊपर आपको लॉन्ग जाना है। ओके तो फिर से उनके चार्ट पे जाते हैं, आपको पॉइंट्स मैं दे देता हूँ। ओके फिर से उनके चार्ट पे आ चुके हैं, यहाँ पर ऑलरेडी अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ट्रेंड को फॉलो करके मार्केट नीचे आ रहा है। ये ट्रेंड कब डाउनसाइड होगा, नेगेटिव होगा, इस पॉइंट को अगर ब्रेक करता है तो नेगेटिव होगा। ओके ये एक अच्छा बेस बनाया हुआ है सपोर्ट का, ये सपोर्ट अगर ब्रेक करके नीचे आता है तो आपको इजीली यहाँ तक टारगेट मिल जाएगा। तो सिंपल आपको मैं पॉइंट दे देता हूँ। ओके तो सिंपल आपको 817 के ऊपर आपको बाय करना है। फर्स्ट टारगेट यहाँ मिलेगा, सेकंड टारगेट इसके ऊपर मिलेगा आपको। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी मैं अपडेट कर दूंगा। अगर आपको ऑप्शन में बाय करना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस रहेगा, ये सब मैं वहाँ पर बताऊंगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलना। ओके तो मार्केट लेवल्स मैंने दे दिया आपको, SL यहाँ पर लगाना है 797.5 के नीचे आपको लगाना है और बाय करना है 817 के ऊपर। ओके आप इंट्राडे, सॉरी इंट्राडे बोल रहा हूँ मैं, आप ऑप्शन भी बाय कर सकते हो, फ्यूचर्स भी बाय कर सकते हो, ऑप्शन शॉर्ट भी कर सकते हो और डिलीवरी भी उठा सकते हो, चॉइसेस योर्स। ओके उसके बाद हम आते हैं अडानी पोर्ट्स पे। ओके हम आ चुके हैं अडानी पोर्ट्स, तो हम चलेंगे वीकली चार्ट पे। ये देखो अडानी पोर्ट्स का वीकली चार्ट, तो अडानी पोर्ट्स कुछ न्यूज़ के वजह से देखो पहले कंटिन्यू ऊपर जा रहा था। ओके कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, कुछ न्यूज़ के वजह से ये थोड़ा सा डाउन हो गया था। ओके जितना नीचे आया था वो सब अभी रिकवर भी ये कर रहा है। ओके ये संभव 600 तक पहुंच गया था। ओके सिक्स कितना, हाँ 630 तक पहुंच गया था, वहाँ से ये दोबारा रिकवर कर रहा है। तो आप यहाँ पर ट्रेड लो और अच्छा खासा कमाओ, ये दोबारा ऑल टाइम हाई की तरफ क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। और ये एक ब्रेकआउट जैसा भी है। ओके ये पॉइंट्स अगर मैं ड्रॉ करूँ, ऐसा एक ब्रेकआउट जैसा भी है, ब्रेकआउट भी दे रहा है, तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। वन डे के चार्ट पे चलते हैं, देखते हो वहाँ पर भी। ओके यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ, ओके एक मिनट, अगर ऐसा कुछ लाइन मैं ड्रॉ करूँ, ओके देखो ये जो लाइन है मल्टीपल टाइम इस लाइन पे क्या लिया, रेजिस्टेंस लिया, अब रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इसने क्लोजिंग दे दिया, तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं। तो फिर से उनके चार्ट पे जाते हैं, आपको पॉइंट्स मैं दे देता हूँ। ओके सिंपल सा है, यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है, इसके हाई के ऊपर आपको सिंपल इसके हाई के ऊपर आपको बाय करना है और कुछ नहीं करना है, आपको हाई के ऊपर सिंपल बाय करना है। ओके इसके ऊपर आपको बाय करना है, फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट आप तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना, इस जगह पे आपका लगेगा क्या SL स्टॉप लॉस आपका यहीं पे लगेगा। ओके तो अडानी पोर्ट्स का भी हो चुका है कंप्लीट, और अगर आपको नहीं आता है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वगैरह, आपको कुछ नहीं आता, टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, तो मेरा वीडियोस ऑन बनाकर अपलोड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके बाद प्लेलिस्ट पे जाना, देखना, सीख लेना। ओके तो लास्ट जो स्टॉक है, लास्ट कौन सा है, लास्ट हमारे पास बायोकॉन। ओके बायोकॉन, तो बायोकॉन हम देखते हैं अभी बायोकॉन में कैसा सीनरी है। वीकली चार्ट पे चलते हैं, हम वीकली चार्ट क्यों देखते हैं, अगर वीकली चार्ट देखते हैं तो हमको मतलब हिस्ट्री इसका पता चल जाता है, कैसा मूवमेंट कर रहा है, कैसा जो इसका मतलब क्या बोलूँ मैं, इसको हम बोल सकते हैं जो इसका एक्यूरेसी है। ओके मार्केट मूवमेंट का जो एक्यूरेसी है, 5 मिनट्स या 15 मिनट्स के चार्ट पे इतना अच्छे से हमको नहीं मालूम पड़ता, और वीकली चार्ट पे देखो तो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करता है एनालिसिस। ओके तो इसलिए हम वीकली और डेली देखते, उसके बाद हम ट्रेड करते 15 या 5 मिनट्स के चार्ट पे। तो ये देखो ये एक कहाँ पर है, एक सपोर्ट एरिया पे है। ओके ये अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये एक सपोर्ट है। ओके ये एक सपोर्ट है, तो इसको ब्रेक करके नीचे आएगा तो हम शॉर्ट करेंगे, सेल करेंगे, समहाउ यहाँ तक हमको प्रॉफिट मिल जाएगा, अदरवाइज यहाँ से रिवर्स भी करेगा तब भी हम एंटर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं वीकली डेली चार्ट पे, अब वीकली पे देख लिया। ओके ये है डेली चार्ट। ओके यहाँ पर अगर मैं देखूँ, एक लाइन ड्रॉ करूँ तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड टाइम इसको ब्रेक कर दिया, उसके बाद दोबारा ऊपर इसको फेक ब्रेकआउट करके ये नीचे आ रहा है, तो क्या दिख रहा है मुझे, ये एक पॉइंट दिख रहा है। ओके ये एक पॉइंट है जिसको ब्रेक करके क्लोजिंग दे दिया, तो इसका जो नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी है ये वो थोड़ा सा ज़्यादा है, नीचे कहाँ तक हमको यहाँ तक प्रॉफिट मिल सकता है। ओके अगर आप हमको बाय करना होगा तो इस पॉइंट के ऊपर करेंगे, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो हम बाय करके प्रॉफिट कमा लेंगे।
तो फिर से उनके चार्ट पे चलेंगे और आपको लेवल्स प्रोवाइड करेंगे सिंपल सा। तो सिंपल है, इसके नीचे आपको शॉर्ट करना है, सेल करना है और कोई दिक्कत नहीं। सिंपल, इसके नीचे आपको शॉर्ट करना है, सेल करना है और आपको बाय कब करना है, बाय के लिए भी मैं आपको दे देता हूँ एक पॉइंट, आप इस पॉइंट के ऊपर आप बाय कर लेना। ओके, हाँ हाँ इसी पॉइंट के ऊपर बाय करना, मैं ज़्यादातर ये सेल के लिए आपको दे रहा हूँ। ओके, बाकी जो फाइव स्टॉक है वो बाइंग के लिए, एक सेलिंग के लिए, फिर भी यहाँ पर भी बाय के लिए एक पॉइंट आपको दे दिया, इसके ऊपर अगर जाता है तो आप बाय करके सेल सकते हो। ओके, तो सिंपल सा एनालिसिस कंप्लीट है, इसके ऊपर आपको बाय करना है, इसके नीचे आपको सेल करना है और हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग का स्टॉक यहीं पर कंप्लीट हो चुका है। सिक्स स्टॉक मैंने दे दिया है, एक स्टॉक थोड़ा सा रिस्की है, वहाँ पर आप काम नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं, बाकी पाँच स्टॉक में काम करो, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करो। अगर प्रॉफिट होता है तो गाइस क्या करो, कमेंट करके मुझे बताओ, अच्छा लगेगा। और गाइस हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन करो, वहाँ पर अच्छा खासा कॉल्स आपको रोज़ मिलता रहता है, उससे भी आप अर्निंग्स कर सकते हो अच्छा खासा। तो गाइस वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, ताकि वीडियो का थोड़ा सा रीच बढ़ जाए, दूसरे तक पहुँचे, आपके थ्रू दूसरे की भी हेल्प हो जाए, दूसरा कोई भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाए। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, हैव अ गुड।